क्या बात है, नया साइकिल लाया लगता है। हाँ सर, नया साइकिल मंगवाए थे इसे टेस्ट करने के लिए। अच्छा लग गया तो थाना में रख लेंगे। तुम क्या टेस्ट करोगे, हम कर रहे हैं टेस्ट। चलो उतरो, बताते हैं तुमको। क्या कर रही है संतु जी, कैसी हैं? क्या लगता है आपको, ये जो पुष्पा जी और अपने नवाब साहब का जो शादी हो रहा है, वो जेन्युइन शादी हो रहा है कि कोनो तिकड़म है मैडम सर का केस सॉल्व करने का? संतु जी झूठ बोल नहीं सकती, कुछ तो करना पड़ेगा। सर 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 सर, इतना भारी भरकम सवाल आप ही बेचारी से कहाँ पूछ रही। बेचारी को दीन जहान के बारे में क्या मालूम। अगर आपको भारी सवाल पूछना ही है सर ना, तो आप हमसे पूछिए। आपके हर एक सवाल का जवाब टप टप करके देंगे, पूछिए। वही कह रहे, हमने हम तुमसे कुछ पूछा है? पूछा कुछ तुमसे? जाओ 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 जाओ। हाँ तो संतु जी, क्या लग रहा है आपको, मतलब ये जो शादी है ये जेन्युइन शादी है या कोनो नाटक है, बताइए ना। सर यही हम आपसे कह रहे हैं कि जो सवाल आप संतु जी से कर रहे हैं ना, जो तुम सीनियर से जो जबान लड़ा रहे हो ना, खड़े खड़े लाइन हाजिर कर देंगे, कह देते हैं तुम्हें। क्या रहे हैं बीच बीच में। हाँ तो संतु जी, ये सब सच है कि नाटक है? अरे फैमिली मेंबर हूं अब हम भी थाने का, हमसे बताने में क्या झिझक। ये तो हाथ धो के पीछे पड़ गया है संतु जी के। ये जानता है कि संतु जी झूठ नहीं बोल सकती हैं, झूठ बोलेंगी तो इनका पेट दुखने लगेगा और ये कहीं जान जाएगा कि शादी का नाटक मैडम सर के कहने पर हो रहा है। बाप रे, बिल्कुल नहीं सर। सर आप जो सवाल संतु जी से किए ना, उसका जवाब संतु जी दे दी। अब आइए गरम गरम पकौड़ा खा कर आते हैं, चाय भी पियेंगे। आइए सर आइए। अरे तुम रुका भैया, इतना का जल्दी है। संतु जी हमें बताइए, जो आप बोल रही हो सच बोल रही है कि नहीं? हाँ सर, मैं सच ही कह रही हूँ। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ कह रही हूँ? पुष्पा जी, मैडम सर को के वापस ज्वाइनिंग करवा दीजिए प्लीज। मेरे से घर गृहस्थी नहीं झेली जाती हूँ। ये उनको ही दे दो ना, मैडम सर अभी तक आई नहीं है, बाहर बैठो इंतजार करो उनका, आ जाएंगे, उनके साथ बात करो। बाहर? हाँ बाहर, उनके केबिन के बाहर। जाओ जाओ जाओ, वहाँ जाके बैठो। मैडम सर। अरे संतोष कैसे हो? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। और दीदी मैडम सर, क्या है? प्लीज 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 मैडम सर। अरे संतु जी, अरे आपसे पूछ रहे हैं हम, ये सब सच है? सर आपको क्यों ऐसा लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। सर सर सर, आप इस पर बैठकर जितना साइकिलिंग कर लिया है ना, इतना अगर रियल जिंदगी में साइकिलिंग करते तो सूरज का चक्कर मार के आप वापिस आ जाते। आइए आइए सर, चाय पिला कर आते हैं आपको। चाय पियेंगे? हाँ आइए सर, आइए सर, आइए सर, चलिए चलिए आइए सर, आइए सर। थैंक यू सो मच चीते, तूने फिर बचा लिया। तूने जैसे ही वो शादी वाला इशारा किया ना, मेरे दिमाग से सब क्लियर हो गया, मेरा पेट दर्द भी ठीक हो गया। तूने नहीं किया होता ना ये, तो आज मैं फिर से पूरे प्लान की बैंड बजा देती। थैंक यू चीते, थैंक यू। कम से कम ही तो बता दीजिए संतु जी की उस शादी में बैंड किसके साथ बजाई थी, मतलब दूल्हा हम ही थे ना संतु जी, क्या है कि संतु जी सर। ये ड्रेस कैसी लगेगी मुझ पे? संतु जी लाल रंग का जब आप पहनेंगी तो ऐसा लगेगा गुलाब के खेत में खरगोश घुस गया है। देखिए सुंदर लगेंगी बहुत ज्यादा। हाँ हाँ बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। ये कौन है? वाह क्या बात है पुष्पा जी,
क्या बड़ा लग रही हैं आप। आइए बैठिए 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 बैठिए। बला के आगे खूबसूरत कौन लगाएगा? अरे हमारा कहने का मतलब ये है कि आप बला की खूबसूरत लगती हैं। ये भी वक्त है, अगर आप हाँ कर दीजिए ना तो सारा नाटक हकीकत में बदल जाएगा। नवाबू पुष्पू, हमें ना ये लिफाज बहुत पसंद आया। लिहाज नहीं पुष्पू, इसको बोलते हैं लिबास। हाँ वही तो। हमें ये लिबास बहुत पसंद आया। कितने का है? 2 लाख। हाँ ओनली। नवाबू पुष्पू क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे मतलब आपकी जी ये पसंद है ना, ओहो इसके सामने ना कुबेर का खजाना भी खाली हो जाए। पर क्या क्या है ना पुष्पू, जो इसकी कीमत है ना वो हमारे बजट के बाहर टप्पा खा रही है। अरे तो इससे सस्ती वाली ड्रेस ले लो ना। चुप, नालायक कहीं के। नवाबू पुष्पू अपने होने वाली बेगम के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अरे नहीं नहीं पुष्पू, अगर तुम हमारी जान मांगो ना तो वो अभी कभी यही दे दें, अब वो भी सेकंड ना लगाएं। लेकिन क्या है ना कि इस लिबास की कीमत बहुत ज्यादा है, अब हमारा अकाउंट सब खाली हो जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अब तुम तो जानती हो हमने सारी चीज गिरवी रख दी है। अरे तो आप EMI पे ले लीजिए ना नवाब साहब। हाँ हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है। आप थोड़े से पैसे जो है टोकन के तौर पर दे दीजिए और EMI पर ये ड्रेस ले लीजिए, फिर हर महीने थोड़े थोड़े करके चुकाते रहना। इस बहाने आपकी बेगम खुश भी हो जाएगी और आपको पैसों की मुश्किल भी नहीं होगी। क्यों रईस? हम आ? तुम तो इस मामले में एक्सपर्ट हो, समझाओ अपने अब्बू को। अरे पर ये कितना है? नहीं परवर कुछ नहीं नवाबू। पुष्पू समझा दो अपने बच्चे को वरना जायदाद से निकलवा देंगे। हाँ और वैसे भी तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए ना बेटा कि तुम्हारी होने वाली अम्मी इतने महंगे कपड़े पहन के निकलेगी तो तुम्हारी ही शान बढ़ेगी लोगों में। लोग तो यही कहेंगे ना कि देखो देखो वो आ गई, देखो देखो वो आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। रईस की अम्मी जान आ गई जिसने इतना महंगा लहंगा पहना है। पहना है? पहना है। ठीक है ठीक है, ले लो ले लो ले लो, EMI पे ले लो। पुष्पू टोकन के पैसे तो दो तभी तो ये लिबास हमारा होगा। हाँ दे रहे। नहीं, नहीं, नहीं। ये लो। थैंक यू नवाबू, बहुत खूबसूरत लग रही हो। कीमत? सिर्फ 50 लाख। अच्छा ये लो। ये लो बाकी EMI पे। रईस बेटा हमें ये भी ड्रेस चाहिए। अरे तो ले लो ना। अरे अब बस भी करो, और कितना उधार लोगे? अरे क्या हो गया रईस, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? कौन सा तुम्हें पैसे भरने, नवाब सबको भरने हैं, वो देख लेंगे। हाँ लेकिन वो बच्चा। लेकिन लेकिन क्या कर रहा है? हाँ? अरे ज्यादा चू चपाल किया ना तो अपनी जायदाद से तुम्हें बेदखल कर देंगे। नवाबू हुक मलकाए आलिया। हमें रजिया सुल्तान जैसा फील हो रहा है तो हम हमारी सगाई में वही थीम रखेंगे। अरे जैसा कहे मेरी बेगम। होने वाली बेगम। हाँ भाई होने वाली बेगम। तो हम अरे करिश्मा जी। जैन मैडम सर। जय मैडम। अच्छा हुआ आप आ गई, देखे तो सही हमने हमारी सगाई के लिए क्या कुछ नहीं खरीदा। अच्छा बताइए कैसे लग रहे हम इस लिबास में? सफेदा लगाने से कौवा कबूतर नहीं हो जाता है पुष्पा जी, वो कौवा ही रहता है। पर पुष्पा जी फीमेल है तो फिर वो उस हिसाब से कौवी हुई ना। डबल मासूमियत। ये सब देखने नहीं आए हैं यहाँ पे हम, मैडम सर आपसे कुछ बतियाने आए हैं, आप 2 मिनट बात कर सकते हैं आपसे? आइए। जी कहिए। वैसे तो मैडम सर हमें पूरा आभास है कि ये जो पुष्पा जी और नवाब साहब का ये जो शादी का प्रपंच चल रहा है ये एक नाटक है,
अगर ऐसा है तो मेहरबानी करके हमें बता दीजिए, हम आपसे वादा करते हैं हम किसी से नहीं कहेंगे, रईस से भी इस बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। और ये तो आप जानती है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है, आप भरोसा कर सकती हैं हम पर। भरोसा? भरोसा कभी एक तरफा नहीं किया जाता करिश्मा सिंह, वजन काटे पर जब दोनों तरफ बराबर का वजन हो तब इस बात का कुछ मतलब भी होता है। आप क्या करेंगी हमारा प्लान जानकर जब आपको हम पर ही भरोसा नहीं है? ना कभी था और शायद कभी होगा भी नहीं। ऐसे में हम आपको क्या ही जवाब दें, क्या फर्क पड़ता है? आप अपने सवालों के जवाब उनसे जाकर करिए जिन पर आप थोड़ा बहुत भरोसा करती हैं। चले? चलिए मैडम साहब। हमको तो ये भी चाहिए। हाँ, तो टोकन तो दे दीजिए। अरे हाँ, क्यों नहीं? लो भाई। अरे करिश्मा जी, आपको कुछ चाहिए हमारी सगाई के लिए? माँ, अब्बा, आपके वालिद होने में। क्या बात है पुष्पा जी, बहुत अच्छी लग रही हैं। नवाब साहब आप भी। शुक्रिया। आपका भी बहुत 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 शुक्रिया कि आपने हमारी सगाई के लिए यहाँ अपने थाने के सामने जगह दे दी। नहीं नहीं पुष्पा जी, हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि अब तो आप इस हवेली की मालकिन हैं और आप अपनी हवेली में हमें थाना चलाने दे रही हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। वैसे पुष्पा जी, अब तो आप इस हवेली की मालकिन हैं तो किराया देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? अरे किराया क्यों नहीं लिया जाएगा? क्या बात कर रहे हैं आप? आप कैसे किराया ले सकते हैं हम लोग से? कहे कि अब तो हम लोग रिश्तेदार हो गए हैं। क्यों? रिश्तेदार किराया नहीं देते क्या? नहीं, हाँ, हमारे फूफा नहीं लेते हमसे। क्या है? अच्छा, आप क्यों इतना फैल रहे हैं? सच में नहीं शादी हो रही है? अच्छा अच्छा, अरे मैं तो भूल ही गया था। हाँ सुनो भाइयों, हमारी बेगम की बात पत्थर की लकीर है और अगर इन्होंने ये कहा कि किराया नहीं लिया जाएगा तो समझो नहीं लिया जाएगा। आज से किराया माफ। क्या बात है, तालियां तालियां, वाह क्या बात है नवाब साहब, क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए फिर सगाई की रस्म शुरू करें। ये लीजिए पुष्पा जी। वैसे हम पूछना तो नहीं चाहते लेकिन मन में ऐसे जिज्ञासा जग रहा है कि कितने का है ये अंगूठिया? महंगा बड़ा होगा हमको ऐसा लग रहा है ना बाबू। अरे इस बेशकीमती हीरे के आगे ये तो रेजगारी है। अब चूंकि तुम पूछ रहे हो जी, तो हम बता दे रहे हैं ये खालिस हीरा है सिर्फ 1 करोड़ रुपए के। ना बाबू, इतना महंगा हीरा? उसको तुम घबराओ नहीं, अरे हमने ना इसको EMI में लिया है। और पुष्पु पता है, अरे ये जो मुमकिन हुआ है ये हमारे होनहार लखते जिगर रईस के वजह से हुआ। भाई हमारे बेटे ने हमको EMI की ताकत का आभास कराया। हाँ, अरे उसी वजह से ये ठाट बात है। नवाब साहब बात कर रहे हैं, बताइए शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, अंगूठी का आदान प्रदान कीजिए, पहनाइए पुष्पा जी को। रुक जाइए। संतोष, अब हमें और भी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि करिश्मा सिंह कभी भी हमें एक्सपोज कर सकती है, ठीक है? पुष्पा जी को बता देना। इतना बड़ा रसम पुष्पा जी, वो भी हमारे बिना? कहा नहीं तो कहा हुआ, आपके तोते काय उड़ गए? नहीं, कहा तोते उड़ गए? नहीं नहीं, देखिए आपका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, आपके तोते उड़ गए हैं। अम्मा आप ही चाहती थी ना कि आपकी बहू आपकी खुशी में शामिल हो, तो हम आ गए, बहू का फर्ज निभाने आए हैं आपके लिए। अच्छा किया ना हमने सासू मैया कि हम आपकी खुशी में आ गए। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया। तो फिर देरी किस बात का, रस्म शुरू करते हैं? हाँ हाँ करते हैं ना, शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, शुरू कीजिए शुरू कीजिए। नवाब साहब, क्या हुआ नवाब साहब?
नवाब साहब नहीं रहे। अरे मेरे बैंक से तो करोड़ों का कर्जा लिया है, वो कौन चुकाएगा? तुमको तुम्हारा पैसा चाहिए ना, मिलेगा आप लोग को मैडम, पैसा मिलेगा। आपको पता है कौन देगा आपका पैसा? आपका बाबू है बाबू, इधर इधर आओ बाबू, इधर आओ, ही देंगे पैसा। ताली मारिए, रईस मियां के नाम पर ताली, तालियां जोरदार। क्या बात है, बाप का कर्ज बेटा नहीं चुकाएगा तो और कौन चुकाएगा? बाप का कर्ज बेटे का फर्ज। मैं कहाँ बकलोली चली, उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। नहीं नहीं, अरे संतोष जी, अरे आपके डॉक्टर है क्या? अरे ये बूढ़ा मर गया जिंदा है ये आपको कैसे मालूम? चलो दूर हटो, हॉस्पिटल लेके जाना है, चलो। अब अस्पताल लेके जाने का क्या फायदा? हमारे नवाबू तो उनके चेहरे पर साफ दिख रहा है, वो निकल गए। क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, हमने हमने अपने पुलिस ट्रेनिंग के दौरान नर्सिंग का कोर्स भी किया था, देखने दीजिए जान बचा कि नहीं, एक बार देख उसमें जाके। नहीं, ये बात सुन के आप सबको झटका जरूर लगेगा, लेकिन सच ये है कि नवाब साहब अब सच में नहीं रहे। तुम्हारे नसीब में स्वर्ग का सुख है नहीं। देखिए भाई साहब, मैं समझता हूँ ये ऐसा मौका नहीं है कि ये सब बातें की जा सके, लेकिन फिर भी करोड़ों का मामला है ना, कैसे चुकाएंगे आप ये पैसा बताइए। और क्या, नवाब साहब हवेली और ज्यादा तो ऑलरेडी गिरवी रख चुके हैं, कहाँ से हम वसूलेंगे अपना कर्ज? आपको ही देना पड़ेगा, आप ही देंगे। हमें नहीं पता, हमें हमारे पैसे चाहिए, आप ही हमारे पैसे दीजिए। रुक जाइए, शांति शांति, पुष्पा जी एक मिनट शांत हो जाइए। देखिए ये बहुत ही काबिल और होनहार लड़का है, ये एक एक करके आप सबका उधार चुका देगा, थोड़ा सब्र रखिए। चुका दोगे ना? हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आप सबका उधार। अब्बा 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 प्लीज ऐसा मत कीजिए अब्बा, अब्बा पहले से मेरे ऊपर बहुत कर्जा है अब्बा, ऊपर से आपका कर्जा, मैं पूरी जिंदगी भर की भी कमाई कर लूंगा अब्बा, तो भी कर्जा कभी चुका नहीं पाऊंगा अब्बा, प्लीज अब्बा मुझे छोड़कर मत जाओ अब्बा, प्लीज। मैं कभी किसी से उधार नहीं लूंगा अब्बा, मैं ये उधारी वाली जिंदगी हमेशा के लिए छोड़ दूंगा अब्बा, पक्का पक्का अब्बा, आप प्लीज वापस आ जाओ अब्बा, प्लीज अब्बा, प्लीज अब्बा वापस आ जाओ अब्बा, प्लीज अब्बा, प्लीज वापस आ जाओ अब्बा। वादा? बेटा अभी तो हम जिंदा हैं, लेकिन ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि ये नाटक कब हकीकत में तब्दील हो जाए। बेटा तुम्हारा ये जो बाप है ना, ये फनी दुनिया को तो छोड़ सकता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर उधारी कभी नहीं छोड़ेगा। रईस माफ करना, लेकिन तुम्हें सच्चाई से रूबरू कराने के लिए हमें एक छोटा सा नाटक करना पड़ा। तुम्हारे अब्बू और हम मिलकर तुम्हें समझाना चाहते थे कि जो उधार की जिंदगी तुम जी रहे हो ना, उसका अंजाम क्या हो सकता है। तजुर्बा कहता है हमारा कि उधार वो जंगली बेल की तरह होती है, जो एक बार चढ़ जाए तो सिर्फ बढ़ती ही रहती है, काटने से रोकने से बिल्कुल नहीं रुकती, और जब तक आपके वजूद का कतरा कतरा नहीं निचोड़ लेती तब तक आपको छोड़ती नहीं। और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना,
खुशियां कभी भी क्रेडिट पर नहीं मिलती, उन्हें हमेशा हासिल करना पड़ता है। बेटा, बचाया हुआ धन कमाए हुए धन जितना ही होता है, इसलिए हमेशा बचत करना, बेफिजूल के खर्चे मत करो। हाँ, जहाँ जरूरी है वहां जरूर पैसे खर्च करो, मगर याद रखना तुम्हारे बुरे दिनों में तुम्हें वही पैसे काम आएंगे जो तुमने बचाए हैं। समझे बेटा? जी अब्बा। मुझे एहसास हो गया कि मैंने बहुत गलत किया। उसे कभी भी किसी से कभी उधार नहीं लूंगा मैं। जितनी चादर है उतने ही पैर पसारूंगा। ऐसा ही कहते ना हमेशा आप? ऐसा ही कहते हैं। और करूंगा भी भाई। बेटा, हमको तुम पर नाज है। पहले भी था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। अच्छाई गुमराह हो सकती है लेकिन हार नहीं सकती है। आ, गले लग जाओ बेटा। शुक्रिया मैडम, आप लोगों ने हमारे लिए जो किया उसका हम एहसान कैसे उतारेंगे ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नवाब साहब, हमने कुछ नहीं किया, ये हमारा फर्ज था। हम तो बस अपना नहीं, नहीं नवाब साहब, अगर आपको कुछ करना ही है तो हमारे बिल्लू निवास में एसी लगवा दीजिए, बहुत गर्मी हो रही है। अच्छा भाई, अब इजाजत चाहते हैं? हाँ। हमारे कहने पर आप सब यहाँ, इस बात के लिए आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग जा सकते हैं। करिश्मा सिंह, शुक्रिया। नहीं नहीं मैडम सर, शुक्रिया किस बात का, हम तो बस अपना वादा निभा रहे थे। आपने कहा था किसी को कुछ नहीं बताना है, हमने कुछ नहीं बताया, पर ये तो पूरा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। कहा है ना कि जो लोग धोखा देते हैं ना उनको ऐसा लगता है कि सभी धोखेबाज हैं। जैन मैडम सर।